अब तो फिर से फिजिकल मोड में आके इन लोगों को क्लास करना पड़ेगा। चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टीम तक हम लोग क्या किए थे, लास्ट जो क्लासेस हमने किया था पावर सिस्टम लैब का, हम लोग वाईपास का फॉर्मेशन देखे थे, एडमिटेंस मैट्रिक्स से वाईपास का एडमिटेंस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन देखे थे, एक लोड फ्लो एनालिसिस कराया था मैंने, आई होप सभी को याद है लोड फ्लो एनालिसिस कराया था। तो उसका किसी का कंप्यूटर में शायद नहीं चला था। तो आज एक दूसरा टॉपिक करेंगे, आज क्या करेंगे देखो, आज हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से वाईपास का फॉर्मेशन करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है अगर मेरे पास जेड बस गिवन है उसी से हम लोग वाईपास को फॉर्मेशन कर लेंगे। इंपीडेंस का अगर वैल्यू गिवन है उसको पूरा कैलकुलेशन निकाल के मैं यहाँ से वाईपास को फॉर्मेशन कर लूंगा। समझ में आया? अगर मेरे पास y बस z बस गिवन है, z बस का वैल्यू लाइक इंडक्टर्स इंपीडेंस गिवन है, एडमिटेंस गिवन नहीं है, लेकिन मेरे को वहां से y बस को फॉर्मेशन करने के लिए बोला गया है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। इसका क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ये है और एडमिटेंस मैट्रिक्स सबको याद है ना क्या होता है? यस सर। क्या होता है एडमिटेंस मैट्रिक्स? हेलो बोलो, कोई बोलो माइक ऑन करके। एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होता है बोलो? एडमिटेंस मैट्रिक्स पता है ना सब सब लोगों को, वाईपास मैट्रिक्स। यस सर। तो बोलो तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक एग्जाम है, यहाँ पे बोले वाई पास फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ y bus matrix for the given data using inspection method। इंस्पेक्शन मेथड और कुछ नहीं, इंस्पेक्शन मेथड से बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, अगर मेरा जेड बस गिवन है, जेड मतलब इंपीडेंस अगर गिवन रहता है, इंपीडेंस गिवन है तो इंपीडेंस मैट्रिक्स से हम लोग उसका इंडक्टेंस मैट्रिक्स है, इंपीडेंस मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग उसी नेटवर्क का एडमिटेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल केस है, जेड ऑफ इंपीडेंस क्या होता है, जेड इंपीडेंस क्या होता है, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड इज इक्वल टू
जेड अगर मेरा इम्पीडेंस है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जेड अगर मेरा इम्पीडेंस है तो हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई मै वाई वाई इज अवर एडमिटेंस, एडमिटेंस इज इक्वल टू वन बाई जेड, ऐसे कर सकता हूँ ना। जैसे मैंने तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे जहां पर मेरा वाई प्लस मैट्रिक्स गिवन, जेड मैट्रिक्स गिवन, जेड का वैल्यू गिवन था नेटवर्क के अंदर, वहां से मैं इसका इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ, एडमिटेंस मैट्रिक्स। और एक चीज ऐसा है यहाँ पर, जितना भी पासेस चाहे मैं यहाँ पर एक्सटर्नली इनपुट कर सकता हूँ इसके अंदर। बेसिकली अगर इम्पीडेंस का वैल्यू मैं इसके अंदर दे दूंगा तो मेरे को ये आउटपुट ला के दे देगा, इसमें और कुछ नहीं, ये थोड़ा आसान होता है। जो मैंने पहले तुम लोगों को मैट्रिक्स बनाकर दिखाया था एडमिटेंस मैट्रिक्स वाला, उससे ये थोड़ा आसान है। पहले दिन जो मैंने एडमिटेंस मैट्रिक्स कराया था तुम लोगों को, वहां पर हम लोगों को मैट्रिक्स को डिफाइन करना पड़ रहा था प्रोग्राम के अंदर कि मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स में क्या रहेगा, वाई में क्या, वहां पे हम लोगों को वाई ऑफ आई के होता है तो y of i का वैल्यू भी देना पड़ रहा था, k का वैल्यू भी देना पड़ रहा था। इनफैक्ट y of i पर क्या होगा वो भी डिसाइड करना हो रहा था मैटलैब प्रोग्रामिंग के अंदर, मालूम है ना वो प्रोग्राम को मैंने जो कराया था 5 दिन पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड चीज, यहाँ से बहुत आसान तरीके से निकल आता है। एंड अगर कुछ भी लाइन यहाँ पे इंक्लूड होता है उसको भी हम लोग आसान तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज को मेरे जो क्वेश्चन का गिवन डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है मेरा, यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेबल ले लिया। यहाँ पर मैं एक टेबल ले रहा हूँ, यहाँ पर एक टेबल है, अच्छा यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो है, ये सीरियल नंबर करते हैं, जैसे ये है मेरा सर्टिफिकेट पास एसपी, दिस इज आवर एंडिंग पास एंड हियर इज आवर सेट एंड दिस इज आवर वाई इज इक्वल टू सी बाय टू, दिस इज फॉर हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट, जो कि मेरा शार्ट एडमिटेंस होता है ना उसको मैं यहाँ पे ले लिया। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट, इससे जो वैल्यू आएगा यहाँ पर सीरियल नंबर 1 रखते हैं 1, ये पहले में क्या होता है सिंगल पास 1 टू 2, इसके अंदर जो इंडक्टर इंपीडेंस है 0.2 प्लस 0.6 से
एंड और साथ हाफ लाइन चार्टिंग के लिए है ना वो है 0.02 जे। दो नंबर पर है मेरा पास 2 to 3 यहाँ पर सेट का वैल्यू है 0.15 0.7 जे एंड वाई हाफ लाइन चार्टिंग लिमिट है 0.03 जे। तीन नंबर पर है मेरा बस 2 to 4 यहाँ पर है मेरा 0.2 प्लस 0.8 जे एंड 0.02 जे। चांस नंबर 4 ये सवार बस 3 to 4 बस 3 to 4 यहाँ पर 0.2 प्लस 0.8 जे 0.02 जे यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, ये पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। बस 2 to 4 का होगा यहाँ पर 0.8 नहीं होगा, यहाँ पर 0.75 भी चेंज होगा। यहाँ का जो वैल्यू है नंबर नंबर 5 में रहेगा प्लस 1 to 3 0.1 प्लस 0.4 जे एंड हाफ टाइम चेंजिंग में 0.01 जे। समझ में आया इस डेटा को सभी को? डेटा को समझ में आया सब लोग बोलो एक बार माइक ऑन करके। हाँ ये वाला डेटा टेबल समझ में आया कैसे क्या हो रहा है? सर वॉइस सी टू क्या है? वॉइस सी बाई टू इज अवर हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट। हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट मीन्स अवर एडमिटेंस मैट्रिक्स, सॉरी ये शंट एडमिटेंस होता है हर एक बस के साथ, हर एक बस के साथ एक शंट एडमिटेंस होता है ना। Yes, sir. वो इसका पास अरेंजमेंट समझ में आ रहा है सभी को? पास अरेंजमेंट क्या है? सर रिपीट कीजिए ना फिर से। देखो मेरे पास यहाँ पे एक इवेंट डेटा है, यहाँ से मेरा इंस्पेक्शन मेथड से मेरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर मेरा कुछ डेटा दिया हुआ है इवेंट, क्या क्या है यहाँ पर बेसिकली मेरा देखोगे इसको छोड़ दो, ये तो मेरा सीरियल नंबर है, कौन सा नंबर है। ये मेरा है सेंडिंग एंड बस, दिस इज आवर सेंडिंग बस एंड दिस इज आवर एंडिंग बस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेंडिंग बस मेरा 1 होता है 1 to 2 मतलब मेरा बस 1 से 2 के बीच में जो लाइन है उसमें जो इम्पीडेंस है वो 0.02 प्लस जे 0.06 जे एंड यहाँ पर जो हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट है मतलब शार्ट इंपेडेंस जो है वो 0.02 जे है। बस 2 to 3 के बीच में क्या है
बस 2 to 3 जो है वहाँ पर 0.15 प्लस 0.70 0.7 जे, ये मेरा इम्पीडेंस है। ऐसे करके हुआ है बेसिकली 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4 and 1 to 3। इसका जो इसका पास अरेंजमेंट ड्रॉ करने से तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका पास अरेंजमेंट को अगर ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ से पास अरेंजमेंट को हम ड्रॉ करेंगे। पास सिस्टम मेरा कैसा है, तो पहले हम लोग चारों बस को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस कितना है। नंबर ऑफ बसेस इस टेबल से हम लोग को पता चल रहा है कि नंबर ऑफ बसेस 4 है, 4 बसेस यहाँ पर है, क्योंकि मेरा हायर ऑर्डर टर्म कितना है, 4 है। हायर टर्म कितना है सेंडिंग, दोनों को मिलाकर हेलो 4 है सर, 4 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या क्या कैलकुलेटर निकल सकते हैं, तो मेरा यहाँ पर 4 बसेस का सिस्टम है। दिस इज बेसिकली दिस इज 4 बसेस सिस्टम। यहाँ पर मैं यहाँ पर चारों बसेस को ड्रॉ कर लिया, 1, 2, 3 and 4। मैंने यहाँ पर नाम भी नंबरिंग भी कर देते हैं। दिस इज अवर बस 1, बस 1, बस 2, बस 3 एंड ऑल्सो बस 4। चारों बसेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी देखो मेरा लाइन कैसे कैसे, अभी देखते हैं लाइन कैसे कैसे हुआ है, मेरा सर्किट डायग्राम कैसे कैसे होगा। बस 1 to 2 इसके बीच में क्या है इम्पीडेंस 0.2 प्लस 0.6 जे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरा बस 1 से 2 कनेक्टेड है, बस 1 एंड 2 कनेक्टेड है, एंड जिसके अंदर जो इम्पीडेंस क्या है, जिसके अंदर जो इम्पीडेंस है वो मेरा 0.2 प्लस 0.6 जे है। समझ में आया यहाँ तक? अभी नेक्स्ट केस क्या है, बस 2 to 3 कनेक्टेड है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस 2 to 3 को कनेक्ट करेंगे, मतलब मेरा यहाँ पे 2 है, 2 से 3 कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से एक लाइन गया है ऐसे। टू से थ्री कनेक्टेड है एंड इसके बीच में जो इम्पीडेंस है वो क्या है, 0.15 प्लस 0.7 जे, ये मेरा इसके बीच का इम्पीडेंस है। अच्छा थर्ड क्या बोला गया है, थर्ड बोला गया है मेरा 2 to 4 के बीच, 2 to 4 यहाँ का जो इम्पीडेंस है 0.2 प्लस 0.75 जे, मतलब बस 2 से 4 कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक और लाइन आएगा 2 से, बस नंबर 2 से एक और लाइन आएगा, बेसिकली एक बस नंबर लाइन से 2 से और एक लाइन आएगा, वो क्या होगा, बस 2 to 4 कनेक्टेड है, बस 2 से मेरा बस 4 कनेक्टेड है। बस 2 से अगर बस 4 कनेक्टेड है तो इस केस में मैंने यहाँ पर जो इम्पीडेंस हो रहा है वो हो रहा है 0.2 प्लस 0.753 एंड नाउ इज अवर बस 3 to 4 कनेक्टेड है। देखो बस 3 to 4 दिस इज आल्सो कनेक्टेड, क्या है इसका टर्न इम्पीडेंस क्या है, 0.2 प्लस 0.8 जे, तो मेरा बस 3 to 4 कनेक्टेड, और इसका जो इम्पीडेंस है वो क्या है, 0.2 प्लस 0.8 जी। एंड जो बस और एक कनेक्शन क्या बचा हुआ है मेरा, बस 1 to 3 इसके बीच में क्या है, 0.1 प्लस 0.4 जी, तो मेरा बस 1 से 3 भी कनेक्टेड है।
वन से थ्री कनेक्टेड है, इसके बीच में जो इम्पीडेंस है वो है 0.1 प्लस जे 0.4। समझ में आया मेरे पास अटैचमेंट सिस्टम कैसे है टेबल के अकॉर्डिंग टू? हेलो हेलो यस सर। और जो मेरा शंट एडमिटेंस है वो क्या है? वो ऐसे नेचर पे कनेक्टेड है, वो बेसिकली एक जो वन से टू लाइन है मेरा यहाँ पर, और वन से टू के लिए एक कनेक्ट शंट एडमिटेंस है, दोनों साइड होगा ये 0.02। अरे के लिए टू से थ्री के लिए भी होगा, टू टू थ्री के लिए भी आएगा यहाँ पर, टू टू थ्री के लिए भी आएगा, टू टू फोर के लिए भी आएगा अलग से। मैंने कराया था तुम लोगों को तो तीनों तरफ के चार्जिंग एलिमेंट अलग आ रहा था, हाफ लाइन चार्जिंग एलिमेंट एक प्रॉब्लम कराया था ना ऐसे। थ्री टू फोर के लिए भी है, एंड ऑल्सो वन टू थ्री के लिए भी। समझ में आया? तो अभी चलो इसका प्रोग्राम करते हैं। अच्छा प्रणव क्लास में है ना? प्रणव यस सर। यस सर समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा सुनो अटेंडेंस शेयर कर दो। प्रणव है कि नहीं? प्रणव है ना सर? है है कॉमर जो ही यही तो यही लोग तो आता है सर, और कोई तो आता नहीं है। और सन सौरभ सर ये लोग ही रहता है, तीनों जो लैब होता है हम लोगों का चार लैब होता है, तो उसका तो मेरे को पता नहीं व्हाट्सएप वाला, बाकी में ये लोग ही रहता है। यार सर ये लोग तो ऑफलाइन में भी तो यही लोग रहता है, पता नहीं देखते हैं इस बार थोड़ा अटेंडेंस का थोड़ा ठीक से हम लोग को देखना होगा ऑफलाइन में भी। प्रणव अटेंडेंस को शेयर कर दो। और चैट बॉक्स में भी थोड़ा रिप्लाई डालते रखो। तो क्वेश्चन सभी को समझ में, सबको समझ में आया है? यस सर। क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? क्या करना है हम लोगों को यहाँ से? चलो अभी इसको बेसिक हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रोग्राम में डालेंगे। मतलब यहाँ पे मेरा बस सिस्टम फाइंड आउट हो गया है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ के चारों बस का सिस्टम है। बेसिकली अगर पास मेरे पास एक टेबल गिवन है, वहाँ पे नहीं बोला गया है कि बस कितना कितना है, बस कितना हो सकता है, एंड उसका जो चार्जिंग है सबको सबका जो, और इसका जो एडमिटेंस इम्पीडेंस मैट्रिक्स बोला गया है जेट मैट्रिक्स, तो भी हम लोग वहाँ से एडमिटेंस को वार्म अप कर सकते हैं। अभी थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग माइक प्रोग्राम को करेंगे। अच्छा तो अभी इसको देखते हैं। तो मैंने इसको किराया था तुम लोगों को, ये तुम लोग कह रहे थे पहले दिन, याद है ना?
ये तो कराए थे तुम लोगों ने, तुम लोगों को कराया था। यहाँ पर एक एडमिटेंस मैट्रिक्स था, एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम लोग ले लिए थे। यहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ा था हम लोगों को, ए एंड जे, जे के लिए अलग फंड, ये सब करके हम लोग करे। तो आज थोड़ा दूसरे नियम से हम लोग करेंगे, दूसरे नियम से करेंगे। तो मैटलैब ओपन करने का साइज तो तुम लोगों को पता ही है। मैटलैब पे जाओगे, जाने के बाद क्या करना होगा हम लोगों को, प्रोग्राम लिखने के लिए न्यू स्क्रिप्ट, न्यू में जाके नया स्क्रिप्ट चूज करना पड़ता है। नया स्क्रिप्ट यहाँ से आता है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोग्राम को, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सब लोग फिर से ज्वाइन कर जाना। अभी लगभग 25 स्टूडेंट है। तो बोलो फर्स्ट कमेंट क्या डालेंगे, प्रोग्राम तो कराया तुम लोगों को, दो तीन प्रोग्राम कराया, फर्स्ट कमेंट क्या देंगे? सीएलसी सर। क्यों देंगे? प्रीवियस डेटा को क्लियर करने के लिए, डेटा को। हाँ बोलो, एक 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 करके बताओ। सर पहले का डेटा को क्लियर करने के लिए। हाँ पहले का डेटा को क्लियर करने। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? सीएलसी के बाद क्या लिखेंगे? Clear all. Clear all. ये किस लिए? ये किस लिए लिखते हैं? बेसिकली देखो, दोनों क्लियर कमेंट यूज करने का कारण क्या है, सीएलसी से भी मेरा पूरा क्लियर होता है, क्लियर ऑल से भी क्लियर हो जाता है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा इससे रिस्टार्ट होगा, मतलब सिस्टम पूरा क्लियर रहे, इससे दोनों क्लियरिंग कमेंट हम लोग डालते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर इनपुट देंगे। व्हाट इज अवर इनपुट वैल्यू, इनपुट को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, मेरा इनपुट क्या होना है। इनपुट पर यहाँ पर लिखेंगे ए फिजिकल टू इनपुट। तो ए को मैंने एज ए इनपुट के टर्म में डिफाइन किया। अभी करेंगे विद इन अ ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट स्लैश एन, इसका मतलब है न्यू लाइन। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। एंटर एंटर सेंडिंग एंड, सेंडिंग बस इन फर्स्ट कॉलम, सेंडिंग बस का कॉलम क्या कर किया यहाँ पे न्यू लाइन स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। एंटर सेंडिंग बस इन फर्स्ट कलम, मतलब मेरा जो फर्स्ट कलम है वहां पर मैं सेंडिंग बस को डेटा को इनपुट दूंगा। समझ में आया? अगर क्लास खत्म होता है उसके बाद सब लोग, क्लास कटने के बाद सब लोग फिर से ज्वाइन कर जाना। कदम सेकंड लिखेंगे अच्छा, फिर से ज्वाइन करने धो दो।